हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हर्ष महाजन साल 2003 से 2008 तक वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के दौरान हर्ष महाजन ने कहा कि वो लगभग 45 साल कांग्रेस में रहे और इस दौरान उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा। जब तक वीरभद्र सिंह थे तब तक कांग्रेस थी और अब कांग्रेस दिशा विहीन हो गई है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद हर्ष महाजन ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से देश और विश्व में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व की सराहना हो रही है, तारीफ हो रही है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की जनता भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताकर जनता की सेवा करने का अवसर देगी। उस कड़ी में, उस मुहिम में योगदान और समर्थन और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज श्री हर्ष महाजन जी का मैं पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं।